अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे आलू की टिक्की। तो आलू की टिक्की के लिए हम लोगों ने आधा किलो आलू बॉईल करके उनको मैश कर लिया है, और उसमें हम लोगों ने आधा चाय का चम्मच नमक डाला है। आधा चाय का चम्मच साबुत धनिया, आधा चाय का चम्मच साबुत गरम मसाला, आधा चाय का चम्मच हम लोग इसमें ऐड करेंगे सुरह लाल मिर्च। अब आधा चम्मच चाय का चम्मच इसमें पिसा हुआ गरम मसाला, और आधा चम्मच काली पिसी लाल मिर्च, एक गुठली कटा हुआ हरा धनिया, एक बड़ी प्याज चॉप की हुई, तीन हरी मिर्च कटी हुई। अब सिरका डालेंगे 1 चमचा, 1 टेबल स्पून। कसूरी मेथी ऐड करेंगे 1 चम्मच, अब इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स कर लिया हम लोगों ने। अब इसमें हम लोगों ने 1 चम्मच बेसन डाला ताकि ये टिक्कियाँ टूटे ना। अब इसको हम टिक्की की शक्ल में गोल गोल बेल लेंगे। अब इसकी कोटिंग के लिए आप लोग अंडा भी ले सकते हैं और बेसन भी। बेसन इसलिए लिया ताकि इससे आलू की टिक्की क्रिस्पी बनती है। इसमें बेसन लिया, नमक और लाल मिर्च ऐड किया है, और पानी की मदद से इसको एक पेस्ट बना लेंगे। ना ही ज़्यादा थिक हो और ना ही ज़्यादा थिन, ऐसा पेस्ट जो टिक्की के ऊपर लग सके। घी हम लोगों ने लिया है तकरीबन 4 टेबल स्पून, और उसको हल्का सा गर्म कर लिया। घी हमारा गरम हो चुका है, अब हम टिक्की को बेसन में डिप करेंगे और इसको फ्राई करेंगे। तीन से चार मिनट इनको अच्छी तरह से पकाना है दोनों साइड से। और ये देखिए हमारी टिक्की तकरीबन रेडी हो गई है। अब इसको 1-2 मिनट और मैक्सिमम पकाएंगे। 3 से 4 मिनट हम लोगों ने टिक्कियों को फ्राई किया और अब हमारी टिक्कियाँ रेडी हैं। तो अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। हम लोगों ने बेसन की कोटिंग किया। बेसन की कोटिंग इसलिए किया क्योंकि इससे टिक्की हमारी आलू की टिक्की बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होती है। अंडे की कोटिंग भी आप कर सकते हैं, लेकिन आलू की टिक्की बेसन की किया जो कि एक क्रिस्पीनेस आ जाती है। तो ये हमारी आलू की टिक्की रेडी है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।